हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है एंजेलिना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंजेलिना एज गोरिशा शो। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ अपनी यूनिकॉर्न किट को। तो उसमें ना मैं जो मैं न्यू स्टेशनरी लेकर आई थी ना वो ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, लेकिन उसमें एक चीज उसमें जो है ना वो पुरानी है। तो उसमें जो चीज जो पुरानी है ना तो वो मेरी इरेजर है जो अभी तक यूज नहीं हुई है, तो मैं उसको यूज करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय यूनिकॉर्न किट आई गॉट ऑन माय बर्थडे। तो So today I will be organizing my unicorn kit and I will be keeping my new stationery in my unicorn kit. So this is the front of my kit, front look of my kit, and this is the back look of my kit. Now I will show you the interior part. तो अंदर से ये ऐसा दिखता है और ये मैंने ना कुछ पेंसिल्स रखी थी तो उसकी वजह से ये हो गया। और यहाँ पे ये चेन है जिसे हम बंद कर सकते हैं, इसमें भी हम सामान रख सकते हैं। और इसके पीछे दिखा सकती ना आपको, ये पूरा प्लेन है और इसके अंदर हम अपने कलर्स, स्केच पेन्स ऐसा कुछ रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो मैं सबसे पहले रखने वाली वो है, वो मैं रखने वाली हूँ ये वाला पेन। ये सोफिया वाला पेन है जो कि मैंने मार्केट से लिया है और इसमें बड़े सारे डिफरेंट कलर्स है, जैसे कि ये इसको अगर जो मैं करती तो ब्लू आता है और इसको दबाने से अंदर हो जाता है। इसमें ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, ऐसे बड़े सारे कलर्स होते हैं। और हम इस ये सारी इंक एक पेन में ही प्रेजेंट होती है, तो मैं इसको इसके अंदर रखने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, ये तो मैंने रख दिया है। आगे में जो मैं रखने वाली हूँ वो है, सो फ्रेंड्स वो है ये वाला पेन जो कि मेरा बॉल पेन है। आगे मैं रखने वाली हूँ ये पॉपिट वाला बटरफ्लाई पेन। सो फ्रेंड्स, ये मेरा पायलट पेन है, इसमें पॉपिट्स हैं, हम इसको पॉप कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छा है बट ये मैं यूज नहीं करती क्लासरूम में। ये मैं जैसे सेल्फ स्टडी करती तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ उसे। तो आगे जो मैं रखने वाली हूँ वो है ये वाला पेन। ये मेरा जेल पेन, इसको मैं अपनी क्लासरूम में यूज करती हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा। मैंने इसको यहाँ पे रखा। और जो लास्ट वाला फैंसी पेन है वो है मेरा ये वाली पेंसिल। सो फ्रेंड्स, ये भी मैंने मार्केट से ली है आफ्टरनून टी। सो इस पेंसिल में शॉप करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो पेंसिल है ना, इसको हम अगर जो इसकी ये वाली इंक थोड़ी डल हो जाए तो हम इसको पीछे से ऐसे प्रेस कर सकते हैं और ये वाली आगे आ सकती है, तो ये भी यूजफुल है लेकिन बट थर्ड क्लास के बच्चों के लिए। तो आगे है मेरा ब्लैक पेन, ये मैंने थोड़ा सा यूज कर रखा है, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये मैं क्लासरूम में यूज करती हूँ। सो फ्रेंड्स, वन साइड तो होगी है मेरी, मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, आप क्लियरली देख सकते हैं ये सारे मेरे क्लासरूम के पेन्स हैं, लेकिन जो थ्री पेन्स हैं वो मैं सेल्फ स्टडी के लिए यूज करती हूँ, बट ये वाला जो है ये मैं क्लासरूम में भी थोड़ा थोड़ा यूज कर सकती हूँ। अब मैं दूसरी साइड का आपको
ऑर्गेनाइज करूंगी। तो इसमें मैं रखने वाली हूँ एक फ्लूड जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल, अगर जो हमारे पेन से मिस्टेक होगी तो हम यूज कर सकते हैं उसको इरेज करने के लिए। टू लक्सर हाइलाइटर्स, मैं तो नियॉन हाइलाइटर्स लेने वाली थी लेकिन वो मेरे को थोड़े लाइट से लग रहे थे तो इसलिए मैंने लक्सर हाइलाइटर्स डाल लिए। और आगे है मेरा ये वाला स्केल, वन इरेजर, डॉम्स वन, वन शार्पनर, वन पेंसिल। और फ्रेंड्स मैं एक एक्स्ट्रा पेंसिल भी रखती हूँ छोटी वाली जो कि मैं अपने फ्रेंड्स को दे सकती हूँ, तो मैं रखने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स मैं एक छुटकी सी पेंसिल रखने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स ये वाली साइड भी कंप्लीट हो गई है, दोनों साइड कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं कभी कभी एक्स्ट्रा पेंस भी रखती हूँ। तो एक्स्ट्रा पेंस मैंने ये यूनो मैक्स के ले रखे हैं, एक ब्लैक है और टू ब्लू है, क्योंकि हमारे जो स्कूल है ना हर स्कूल में ब्लैक पेन कम यूज होता है, ब्लू ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लैक पेन से हम सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं और ब्लू से हम ज़्यादा लिखते हैं। सो फ्रेंड्स नाउ आई ऑर्गेनाइज माय किट, सो थैंक्स फॉर सीइंग आवर वीडियो, सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।